जमालपुर साहिबगंज रेल सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन दोबारा बहाल कर दिया गया है। इस रूट पर बाढ़ की वजह से ट्रेनों का परिचालन पर खासा असर देखने को मिला था और यही कारण था कि इस रूट पर चलने वाली लोकल ट्रेनों के साथ साथ लंबी दूरी की ट्रेनों पर जो पैसेंजर सफ़र करने के लिए टिकट पहले से करा रखे थे उनको अब कैंसिल करानी पड़ी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब दोबारा इस रूट पर ट्रेन चालू हो चुका है और कल शाम से ही इसकी तैयारियां चल रही थी और आज रविवार है और रविवार का दिन कुछ नई ट्रेनों को खोलने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ लोकल स्पेशल ट्रेन की शुरुआत भी हो चुकी है जो कि आज आप इन सभी ट्रेनों से सफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो को करें शुरुआत उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। लगातार आप लोगों के द्वारा जो कमेंट हमें मिल रहा था कि कौन सी ट्रेन पहले चरण में चालू हुई है, तो चलिए आज हम उसी पर बात करेंगे कि पहले चरण में कौन कौन सी ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है और इनके लिस्ट क्या है। जमालपुर साहिबगंज रेल सेक्शन के अलावे भागलपुर रूट की कई ट्रेनों को दोबारा इस रूट पर चालू किया गया है। हालांकि इससे पहले ट्रायल इंजन और लाइट इंजन के सहारे मालदा क्यूल इंटरसिटी ट्रेन को ट्रायल रन कराया गया था, जिसके बाद रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस रूट पर अब सामान्य ट्रेनें चलाई जा सकती है। लेकिन इसी बीच सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी और इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों की स्पीड थोड़ी कम करके चलाई जाएगी और इनके लिए कुछ नई ट्रेनों का लिस्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 14 अगस्त के बाद से ही ट्रेनों का परिचालन बंद था और ठीक 8वें दिन बाद यानी कि आज से ये ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। रेलवे ब्रिज अभियंता से हरी झंडी मिलने के बाद अब ट्रेन चलने लगी है और ट्रेन परिचालन शुरू होने से मुंगेर, भागलपुर, बांका, लखीसराय के अलावे झारखंड के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। मालदा क्यूल इंटरसिटी पहली ट्रेन चली जो इस रूट पर ट्रायल के साथ साथ पैसेंजर लेके इसकी शुरुआत हो चुकी है। रविवार को दूसरे रूट से चल रही है मालदा रेलमंडल की ट्रेनें और पुराने निर्धारित रूट से इसका परिचालन देखने को मिलेगा। रविवार से दूसरे रास्ते से जो जिन ट्रेनों का परिचालन देखने को मिलेगा उनमें फरक्का एक्सप्रेस आज से ही भागलपुर जमालपुर क्यूल के रास्ते जाएगी। ये एक अच्छा अपडेट है और इस अपडेट के अलावा आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित रेल सेक्शन पर 20 से लेकर के 50 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने की अनुमति मिल चुकी है और इस रूट पर भी अच्छी खबर यह है कि अब इस रूट पर भी पहले की तरह ट्रेन चल पाएगी। फरक्का एक्सप्रेस शनिवार से ही भागलपुर जमालपुर क्यूल के रास्ते चलेगी शुरू हो चुकी है और अब बाढ़ प्रभावित रेल सेक्शन पर 20 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलने की अनुमति मिलने के बाद इस रूट पर लंबी दूरी की ट्रेन भी चलाई जा सकती है, भले ही रफ्तार थोड़ी कम क्यों ना हो। सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेन चलाने का निर्देश तो आ चुका है, ऐसे में पैसेंजरों की सुरक्षा की प्राथमिकता भी रेलवे की होगी और ऐसे में कुछ जो नई ट्रेन चलाई जा रही है उनका भी लिस्ट हम जल्द लाने वाले हैं। फिलहाल के लिए अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो आपने हमें कमेंट के जरिए पूछा था कि ट्रेन चालू हुई या नहीं, तो इसका जवाब है ट्रेन चालू हो चुकी है। इनमें से कुछ ट्रेन की शुरुआत अभी नहीं हुई है और उसका भी अपडेट हम जल्द लाने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट।